पाटीदार वो आप देख रहे हैं वॉइस में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदीश देवड़ा जो है अपना नामांकन दाखिल करके बाहर आ चुके हैं। जिस तरीके से उनकी भव्य वाहन रैली निकली थी उसके बाद अब जो है वे बाहर निकल चुके हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ मौजूद है और ये तमाम नेता जिस तरीके से बात कर रहे हैं मीडिया उनसे चर्चा कर रही है और किस तरीके से नामांकन दाखिल करके बाहर पहुंचे हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है नामांकन दाखिल किया क्योंकि अब जो है चुनाव धीरे धीरे पास में आता जा रहा है। जिस तरीके से उनके समर्थक बाहर इंतजार कर रहे हैं उनसे पूछेंगे किस तरीके से माहौल जो है अब भारतीय जनता पार्टी का बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि आज नामांकन दाखिल करना था और बड़ा काफिला उनका निकला और पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से उनकी है उनसे पूछेंगे कोशिश करेंगे हम गाड़ी में घोड़े में बैठ करके कहीं बैठ करके मंच बना करके ये सब उत्साह है। अब ये मुझे पता नहीं भाई किसका फॉर्म भरा नहीं है वो सब सामने आएगा जो भी लड़े लड़े ये तो अधिकार है किसी को भी चुनाव लड़ने का। क्या कहेंगे आप आज इंतजार था नामांकन दाखिल करने का कि भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन है और अपार उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस एक आरोप लगा रही है जिस तरह बार बार के तमाम जो है कार्यकर्ता है लाए हुए कार्यकर्ता क्या कहेंगे इसे लेकर आप जय जगदीश 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 जय जगदीश